और हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार मुझे ये सवाल पूछ नहीं सकता, मैं जो बोलूंगा वो करके दूंगा और जो करूंगा वो ही बोलूंगा। तो ये पत्रकार भाई मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना ठीक से, अगर नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन। बिहार में 1,10,000 करोड़ की लागत से केवल 10 ग्रीन फील्ड यानी जो रोड अस्तित्व में नए रोड हम बना रहे हैं और इसका जो कार्य है रक्सौल से हल्दिया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे 692 किलोमीटर 6 लेन 40,000 करोड़, गोरखपुर से सिलगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 25,000 करोड़ जो 520 किलोमीटर 6 लेन है, वाराणसी से कलकत्ता 30,000 करोड़ 612 किलोमीटर 6 लेन, पटना आरा सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 4,000 करोड़ 118 किलोमीटर, पटना से बेतिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 6,500 करोड़ 165 किलोमीटर, बकरपुर से डुमरिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 2,200 करोड़ 92 किलोमीटर, ग्रीनफील्ड पटना रिंग रोड 11,000 करोड़ जो 100 किलोमीटर का 6 लेन रोड है, मुंगेर से मिर्जा चौकी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 8,000 करोड़ ये 125 किलोमीटर है, अमस से दरभंगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 8,000 करोड़ ये 198 किलोमीटर है और पटना आरा बक्सर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ये 9,000 करोड़ 181 किलोमीटर है, वाराणसी से औरंगाबाद चोरदहा इकोनॉमिक कॉरिडोर 5,000 करोड़ ये 262 किलोमीटर 6 लेन है और बख्तियारपुर पटना से ओरमांझी रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर 8,000 करोड़ ये 280 किलोमीटर है और उमागांव से सहरसा ब्राउनफील्ड कॉरिडोर है 3500 करोड़ 141 किलोमीटर। ये 13 हाईवे में बिहार में बना रहा हूँ जिसकी कीमत 1,10,000 करोड़ रुपये है, पर आप चिंता मत करिए, मैं भले करोड़ों में बात करता हूं पर हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार मुझे ये सवाल पूछ नहीं सकता, मैं जो बोलूंगा वो करके दूंगा और जो करूंगा वो ही बोलूंगा। तो ये पत्रकार भाई मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना ठीक से, अगर नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, यह वचन मैं आपको देता हूं।